मैं हूं पूनम और मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को महासप्तमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। जी हां, इस बार दुर्गा पूजा का क्रेज हर साल से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि हम आपको लगातार हावी जी पूजा पंडाल की परिक्रमा करवाते आए हैं और इसी तहत हम पहुंच चुके हैं अभी दमदम पार्क भारत चक्र पूजा पंडाल में। जी हम आपको दिखाना अपने कैमरा मैन को कहेंगे कि हमारी जनता को यहाँ की तस्वीरें दिखाए, लोगों की तस्वीरें दिखाए, किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, किस तरह से लोग कतारों में खड़े हैं, धीरे धीरे करके आगे चलते आ रहे हैं पूजा पंडाल की दर्शन करने के लिए। जो आपको बता दूं आज है महासप्तमी और उसको देखते हुए लोगों का जो क्रेज है आज दुर्गा की पूजा को लेकर और ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दूंगी किस तरह से लोग लाइनों में खड़े हैं सभी पूजा पंडाल के दर्शन करने के लिए। और माँ दुर्गा की बात करें तो यहाँ की जो मूर्ति है उसकी क्या खास बात है, आपको क्या पसंद आई माँ को देख के, आप बताइए। मुझे तो पहले ये पंडाल ही बहुत पसंद आया है क्योंकि तो पंडाल बहुत अच्छी तरह से बनाया गया और इसके साथ ही अंदर में खूबसूरती से बहुत अच्छी तरीके से माँ का प्रतिमा भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो मैं और भी चाहूँगा कि कैमरा मैन मेरा जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सही बोला वैसे जी जीने की हम चलेंगे बिल्कुल अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे पूजा पंडाल के अंदर। जैसा कि आपने देखा आपने सुना कि किस तरह से विश्वजीत जी ने कहा पहले तो माँ की प्रतिमा की आपको दर्शन तो करवाएंगे लेकिन इससे पहले पंडाल की बात करें तो काफी खूबसूरत और भव्य है। जैसा कि कहा जाता है ना कि बाहर से आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगी कि पंडाल के कुछ दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाए। जी हाँ, इस बार का जो दमदम पार्क भारत चक्र पूजा पंडाल का थीम इस बार है घोड़े और बायरे। चलिए अब आपको सीधे ले चलते पंडाल के अंदर, क्या कहते हैं ऋषि जी? चलिए चलते हैं। लेकर आ गए सीधे पंडाल के अंदर। आप जैसा देख पा रहे हमारे पीछे लोगों की भीड़ कितनी तादाद में इकट्ठी हुई है, सभी पंडाल देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कहा जाए, कुछ लोगों से बातें करें। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए हर जगह पे दिखता है कि माँ मंदिर पंडाल में आ रहा है लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि माँ किस तरह से जा रही है उसका पूरा एकदम जायजा दिया जा रहा है कि माँ अपने अपने पैर फैलाते हुए आगे निकल रहे एकदम पंडाल के अंदर जा रही है। पूरा ये दिखाया गया है कि किस तरह से माँ जा रही है पंडाल के अंदर और इसी को फॉलो करते हुए जितने सारे श्रद्धालु है वो भी सब पंडाल के अंदर आ रहे हैं। चलिए श्रद्धालुओं के साथ हम भी पंडाल के अंदर जाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं दुर्गा पूजा को लेकर। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शंभुनंद गोस्वामी। आप कहाँ से आए? सब कोलकाता में। मैं एक्चुअली दीघा से आया। और वेरी नाइस, दीघा से आए जो कि काफी दूर है। अच्छा, आप जो आई पार आपको दमदम पार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार का थीम मैं आपको बता दूं घोड़े और बायरे है, मतलब औरतें के ऊपर बनाया गया है इस बार पूजा पंडाल का थीम। उसका क्या कहना है आपका? औरतें जो होता है सबसे बड़ा मान शक्ति होता है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। वेरी गुड, किसके साथ आए आप? मेरा वाइफ के साथ आए, दोस्त के साथ आए। अब उनके फ्रेंड से बात करते हैं दुर्गा पूजा को लेकर, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। जी मैं कोलकाता में ही रहता हूँ, एक्चुअली मेरा घर सामने ही है और मेरा फ्रेंड दीदी से दिखा है, उन्होंने दीघा से आया है। आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं काम में गुवाहाटी में करता हूँ, ठीक है, लेकिन बस पूजा के लिए मैं घर आता हूँ, ठीक है, तो एंजॉय द पूजा। जी दमदम पार्क एक्चुअली मतलब अभी फेमस है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पूजा पंडाल होते हैं जैसे कि भारत चक्र है, तरुण चंद्र है, सो इट इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पर एक ही एरिया में आप कम से कम 4-5 फेमस पूजा पंडाल देखेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक थिंग इन दिस एरिया। एंड जैसा कि देख रहा कि लोगों को इस बार दमदम पार्क भारत चक्र पूजा पंडाल बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी पिछले साल के बाद इस बार वो पंडाल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए कुछ लड़कियों से बात करते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? सिमोना।
बच्चों बनाओ, आप कहाँ जा रही हैं? बैरकपुर। बैरकपुर से आप अब तक कितने पंडाल में जा चुकी हैं? दो, अभी तक तो दो हो गए। दो हो गए, ये तीन नंबर है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या चीज़ अच्छा लग रहा है इस बार? ये साइकिलिंग। अच्छा, कैमरा पे देखिए। ये भी बढ़िया है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 6-7 बज गया, अभी तक दोनों पर भी यही बचता है। बिल्कुल, सुबह से ही। मैं और भी आपको बोलना चाहूँगा कि इन लोगों से तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप सेल्फी लेते हुए देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलते हैं दर्शकों। कहूंगी कि यहाँ पर कुछ लोगों की और कैमरा को करके दिखाए हमारे दर्शकों को किस तरह से वे सेल्फी ले रहे हैं। जी हाँ, दुर्गा पूजा का मौका है तो मौज मस्ती का मौका है। कहते हैं ना कि दुर्गा पूजा सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती करने का भी त्यौहार है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाए किस तरह से वे सेल्फी ले रहे हैं। जी हाँ, अभी आप भी जानते होंगे कि इस बार सेल्फी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सभी अपने अपने कैमरों में पंडालों की तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। हेलो, व्हाट योर नेम? राजश्री। आपने कोथा दिए थे? दुर्गा पूजो केमी लगछे? ये बोलो। ऑसम लगछे। कत पंडाल देखे नहीं? यही तो 4-5 देखला। कौन सा बेस्ट लगे? जैसा कि देख रहे हैं, ये अब तक 4-5 पंडालों को देख चुका है इन्होंने और सबसे बेस्ट इनको लगा है सोमश्री पूजा पंडाल। चलिए, इस तरह से हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और आखिर में हम आ पहुँचे हैं पंडाल के अंदर, जहाँ पे माँ का मूर्ति स्थापित किया गया है। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे पंडाल बना है उस हिसाब से माँ का मूर्ति भी कितना सुंदर बना हुआ है, और सभी श्रद्धालु यहाँ पे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा किया हुआ है। चले, इसी तरह हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे पूजा पंडाल की हर एक तस्वीर। तब तक आप देखना ना भूलें लाइव कोलकाता। मैं पूनम, मैं विश्वजीत, कैमरा मैन दिनेश के साथ लाइव कोलकाता। फीचर्स पर भारत छात्रों, हिप्पी पूर्रे लाइव कोलकाता, हिप्पी पूर्रे लाइव कोलकाता, हिप्पी पूर्रे लाइव कोलकाता, हिप्पी पूर्रे। जैसा कि देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारत चक्र पूजा पंडाल कमेटी के सदस्य। उनसे जानते हैं इस बार वो भारत शक्ति सम्मान 2018 पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं। দারুন দারুন, অসাধারণ, এত সুন্দর পুরস্কার, আমরা সত্যি বলছি খুব ভালো লাগছে। আমাদের এত দর্শনার্থী আসছে, তাদের সামনে যে আমরা এই পুরস্কারটা আপনাদের থেকে পেলাম, অসাধারণ লাগছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এক চিজ বাতা দে কি ইস বার পিছলে সাল কি ভাতি ইস বার দমদম পার ভারত চক্র পূজা পন্ডালে কুছ অনোখা থিম বানায়া হ্যায়। জি হ্যাঁ, ঘরে আর বাইরে পে বানায়া হ্যায় ইস বার পন্ডাল কা থিম, জো কি বহুত হি ভব্য আর অনোখি হ্যায়। আপকো বাতা দে কি পন্ডাল কি পরিক্রমা করবাতে वक्त कुछ दिन पहले हमने आपको यहाँ की तैयारियों का जायजा दिलाया था, और आज हम इसी के तहत बेस्ट पूजा पंडाल में से लाइव कोलकाता की टीम ने एक पंडाल चुन लिया है। थैंक यू वेरी मच। लाइव कोलकाता हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी तरह हम हमारे साथ बने रहिए, हम किसी और पंडाल में पहुंचेंगे और सारे शक्ति सम्मान से उन्हें नवाजेंगे। तब तक देखते रहिए लाइव कोलकाता।